एवरीवन वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और शुरू में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट के बारे में। एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिए गए हैं, आज रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिए गए हैं। सिलेक्शन लिस्ट पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, टायर ऑन का कट ऑफ मार्क्स क्या कुछ रहेगा, जनरल या आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं सभी के बारे में हम लोग कट ऑफ मार्क्स क्या कुछ रहेगा उसके बारे में जानेंगे। टायर टू का एग्जाम डेट जनवरी में है, 22 में 9 जनवरी को ऐसा कुछ, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे जो नोटिफिकेशन आया है। साथ में ये भी जानेंगे कि आप मेंस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वैल्यू फॉर मनी मॉक टेस्ट कहाँ से आप दे सकते हैं सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला जो लिंक रहेगा वो अपने रिजल्ट को डाउनलोड करने का लिंक रहेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नोटिस को पढ़ना चाहते हैं तो नोटिस का भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। तो रिजल्ट को मैं दिखाने से पहले मैं नोटिस को दिखाना चाहूँगा कि नोटिस क्या कुछ आया है। मैंने कुछ टाइम पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड किया था, तो यहाँ पर डाउनलोड सेंस में मैं आ जाऊँगा एंड इस पीडीएफ को हम लोग जो है व्यू कर लेंगे। एंड व्यू करने के बाद यहाँ पे बताया गया है कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम सीएचएसएल 2021 का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो गया है और एग्ज़ाम कॉन्टैक्ट किया गया था 12/4/2021 से लेके 19/4/2021 मीन्स अप्रैल में कॉन्टैक्ट किया गया था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स रह गए थे जिनका एग्ज़ाम 4 अगस्त से लेके 12 अगस्त के बीच में कॉन्टैक्ट किया गया था। टोटल 12 डेज एग्ज़ाम चला था, ठीक है ना। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि चैनल के लिए क्या कुछ कट ऑफ था, 141 काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गए हैं और इसमें कैंडिडेट कितना सिलेक्शंस हो गया है, कैंडिडेट कितने अवेलेबल हैं, 8118 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। एससी में कितना 114, 8696, ओबीसी में बहुत ज़्यादा 10909, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में 8302, उसके अलावा और भी केस रहे हैं तो इस ब्रांचेस को देख लीजिएगा। एससी के बारे में बता देता हूँ, 114 है और इसमें 8696 है और एसटी में 108 है, 3496 है। ईडब्ल्यूएस हो गया और कुछ पीएच है, टोटल 45,409 कैंडिडेट का जो है सिलेक्शंस हुआ है टायर टू के लिए, ठीक है। और यहाँ पे और भी डेट बताया गया है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट है कि आप अगर आंसर की वगैरह फाइनल आंसर की अगर देखना चाहते हैं तो 5/11 से लेके आप 4/11 के बीच में देख सकते हैं। कुछ आपको जो है लगता है कि मुझे मैंने ये क्वेश्चंस किया था एक गलत मुझे मार्क्स नहीं मिला है, तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्शंस भी कर सकते हैं, उसमें फी वगैरह भी लगता है। उसका मैं डिटेल्स वीडियो एक आएगा, उस वीडियो में मैं बता दूंगा आपको डिटेल्स प्रोसेस, ठीक है। और टायर टू के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में मैं बताऊँगा, उस पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट उसके बारे में भी हम लोग जरूर जानेंगे। मैंने बताया कि आपको सब 9 जनवरी 2022 को आपका एग्ज़ाम रहेगा 9 जनवरी और 5 नवंबर से आपका जो है फाइनल आंसर की अवेलेबल हो गया 4 दिसंबर तक कर सकते हैं। टोटल 30 डेज आपके पास टाइम रहेंगे और मार्क्सशीट सीएचएसएल का मार्क्स जो है 25 नवंबर को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, अप टू 25 नवंबर और 1 नवंबर से स्टार्ट होके। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग जाएंगे सीएचएसएल का ऑफिशियल वेबसाइट में, मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ उसके बाद मैं फिजिकली दिखा दूंगा आपको, मतलब इसी वीडियो में। सीएचएसएल का ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद डाउनलोड सीएचएसएल रिजल्ट पीडीएफ, उसके बाद रोल नंबर डालेंगे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के लिए और साथ वहाँ पर टोटल जो है 4720 वैकेंसीज अवेलेबल है टोटल, ठीक है। 4726 वैकेंसीज है जिसमें कि आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टल असिस्टेंट, स्पॉटिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री और भी कई सारे पोस्ट रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है इसका पीडीएफ का, मैं डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। सबसे बेस्ट रहेगा कि मैं जो लिंक दूंगा उस लिंक को आप क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। इसमें टोटल जो पेज रहेगा 457 पेज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम से आप सर्च कर सकते हैं, रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं, दो प्रोसेस सबसे बेस्ट रहेगा, नाम और रोल नंबर आपको क्वालिफाई है या नहीं इस यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अभी अपडेट नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्त तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं ना तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेस्टबुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्वालिटी के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस सबक डे, थैंक यू।